एज ए मैन एज ए मॉडल्स इतने अच्छा क्राउड देख के इतना अच्छा ग्रैंड ओपनिंग देख के सीरियसली मजा हो गया। और मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा अपने मोहित सर को। आने का जो मेन हमारा मकसद था वो साहिल खान जो है, ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ था अभी मिस्टर मिस नेक्स्ट सुपर मॉडल, तो उसका ये मॉडल रहा है। तो अब जो है ये अपने गाँव को आगे लेकर के जाना चाहता है, अपने गाँव के युवाओं को आगे लेकर के बढ़ाना चाहता है। तो इसने आज जो इस गाँव में ये प्रोग्राम करा है ये लोगों को जागरूक करने के लिए है कि मॉडलिंग की मॉडलिंग क्या होता है, फिल्मी दुनिया क्या होती है, तो उसके बारे में बताने के लिए ये प्रोग्राम था। तो इसमें हमारे साथ फजलुद्दीन साहब जी ने बहुत जो है सपोर्ट करा, साथ में विकास भाई वसीम भाई ने बहुत हमारा साथ में साथ दिया, और आरिफ खान और साहिल खान ने जो ये पूरा प्रोग्राम को आज यहाँ पर रखा सजाया। तो उसका जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि ये अपने गाँव से निकलना चाहता है और यहाँ की जितनी भी प्रतिभा है उनको आगे लेकर के दिखाना चाहता है हमारे थ्रू, हमारे प्रोडक्शन के थ्रू। और ये इनका मकसद है, इनका लक्ष्य जो है वो आगे है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो है नाम कमाना चाहते हैं, इस गांव को रोशन करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में। तो मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ साहिल खान को कि जिन्होंने अपना ये करियर का सक्सेस का जो पहला कदम है जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का है उन्होंने ये उठाया है। तो ये आगे की जिम्मेदारी हम लोग देते हैं ये साहिल खान के ऊपर कि यहाँ मेवात गाँव का जो भी प्रोग्राम होगा या फिर जो भी मॉडल आएगा वो साहिल खान के थ्रू ही हमारे प्रोडक्शन हाउस में आएगा। तो हम लोग जो है आगे उसको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाएंगे। चलिए अच्छा साहिल जी बताइए कि जो आपने प्रोग्राम किया है मॉडल बनने का उद्देश्य क्या है? लोग आज मॉडल तीन चार साल से वीडियो बनाता हूँ लेकिन मेरी जो सोच थी वहाँ तक सीमित नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तक मुझे मेरे पापा के नाम से जाना जाता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाना जाए। मेरे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे अपने पापा के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है। मेरी सोच कोई सीमित नहीं है, जब तक सफलता मिलती रहेगी मोहित सर का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, मैं हर मंजिल को छू सकता हूँ। हमारे यहाँ सबसे जो मॉडलिंग चीज़ होती है, फैशन जो मॉडलिंग होती है, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये मॉडलिंग होती क्या है। अगर किसी को लाइफ में सबसे तेज सक्सेस पाना है तो मॉडलिंग चूज करें, बाकी एज यू चॉइस। लेकिन हमारी चॉइस ये है कि हम अपने गांव का, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का सबसे टॉप लिस्ट में जो पूरा देश देखे वो हम नाम करें। और साथ में मेरे एक भाई है वो गया है अभी, आरिफ है, वो मेरे साथ हर जगह रहता है, मॉडलिंग शो में भी गया था। और जब हम गए थे लाइफ में, जब सबसे पहले हम पोर्टफोलियो शूट के लिए गए थे, तब उस टाइम जब मैंने मोहित सर की स्पीच देखी थी, तब उस टाइम मेरे दिल में एहसास हुआ था कि जिस दम तक तेरे साथ इस बंदे का सपोर्ट रहेगा तू दुनिया में जो भी सफलता है वो पा सकता है। और मैंने उसी टाइम ठान ली थी कि हाँ मुझे सब मोहित सर का सपोर्ट चाहिए, जब तक मोहित सर का सपोर्ट रहेगा मैं आगे विकसित होता रहूँगा और मुझे अपनी फैमिली का, अपने टीम का पूरा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। फैशन शो जो है, फैशन शो कई तरह के फैशन शो होते हैं, जैसे कि आपने भी बताया था, वो बिल्कुल सही बताया था, प्रिंट मॉडलिंग भी होता है, रैंप के ऊपर मॉडलिंग भी होता है। ये एकमात्र जरिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने के लिए, ये एकमात्र रास्ता है। सबसे पहले तो आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपना फोटोशूट करवाना पड़ता है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ज्वाइन किया, फोटोशूट करवाया और एकदम से आपको उस करियर उसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए भी आपको जो है एक समय देना पड़ेगा, एक साल दो साल लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी जो सक्सेस है वो आपको बिना मेहनत करे जो है वो एकदम से जो हासिल हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती, इस काम में भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अभी अपना फोटोशूट करवाया, अभी अपनी फिजिक के ऊपर, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है आपको। और मैं गांव के जितने भी यहां के आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं जो हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को आगे भी वो सपोर्ट करें, ये बच्चे इस गांव का नाम और अपने जो इनके जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी ये आगे लेकर के चलें और अपने गांव को आगे बढ़ाएं। सो यही मेरा कहना है, शुक्रिया। पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने मेरे बड़े भाई सम्मान मोहित अरोड़ा जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने मेरे एक ये छोटे से गांव और मेरे इस मेवात में गांव से लगे हुए हैं, इतने बच्चे होनहार और उन्होंने इतना हौसला इन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए इस बात का, क्योंकि ये एक अनपढ़ता गांव से और इतनी बच्चे इतने क्वालिटी पर इंटेलिजेंट पहुंचते हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और मैं मोहित अरोड़ा जी से भी यही कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को आगे इसी तरह हौसला अफजाई करें। और मेरे साहिल भाई, आरिफ भाई, जो इन दोनों भाई ने संघर्ष किया है, और मेरे वसीम भाई,
इन सारी टीम ने इतना संघर्ष किया इन बच्चों का। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जिन बच्चों का हौसला मेवाड़ से पिछड़े हुए गाँवों से इतना आगे चल रहा है, वह हमारे लिए बहुत ही सहानुभूति कार्य है और हम आगे भी इसी तरह इन बच्चों की मदद करेंगे और हर काम में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं इनके साथ चलूंगा और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी उस टीम के लिए मैं तैयार हूँ। इसकी चॉइस थी इस बच्चे की तो मैंने इसका मेवाड़ इलाके के जो लोग हैं वो अपने बेटों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं और आपने इनको मॉडल बना दिया। तो जी ये इसकी चॉइस थी, मैंने तो इसको बीकॉम तक तो पढ़ा भी दिया और इसको बोला था तेरी एलएलबी करा दूँ, तो इसने बोला कि एलएलबी में तो लोग झूठ को सच सच को झूठ करते हैं, मुझे वह पसंद नहीं है। अब इसकी जो चॉइस थी मैंने इसके पैसे मांगने इसको मैं पैसे दे देता हूँ अपना जो इसके समझ चॉइस करें। जो आज का मान सम्मान आप लोगों ने पाया है उस मान सम्मान को पाकर के आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं।